सबसे अच्छी बात लगी दी लाइव स्टेज को धन्यवाद करूँगा क्योंकि यहाँ पे मोहब्बत में बहुत कुछ कहना चाहते हैं हर कोई अधूरी रह जाती है कहानी ठीक है और स्टेज पे भी अधूरी रह जाती है तो बट दी लाइव स्टेज में मैंने देखा कि रेड लाइट स्टार्टिंग में रेड लाइट कर देते पाँच मिनट बाद बट यहाँ पर मेरे को ये लगा आठ मिनट दस मिनट आराम से कह सकते यहाँ पर तो मैं सबसे पहले अपने नाम को रिलेट करूँगा कि हाथ में दर्द लिए गमों के पन्नों पे जज्बात लिखता हूँ कि हाथ में दर्द लिए गमों के पन्नों पे जज्बात लिखता हूँ पर जो भी लिखता हूँ इस दिल की बात लिखता हूँ कि जो भी लिखता हूँ इस दिल की बात लिखता हूँ दिल में भरी वो बातें वो यादें वो ख्वाब लिखता हूँ दिल में भरी वो बातें वो यादें वो ख्वाब लिखता हूँ जी हाँ जी हाँ मैं वही विकेश वाला जो हर बेफ़ा शख्स की औकात और दिल टूटे आशिकों की कहानियाँ लिखता हूँ और दिल टूटे आशिकों की कहानियाँ लिखता हूँ ज़िंदगी सुंदर है पर जीना नहीं आता एक छोटी सी लाइन है सुकून की तलाश में कहीं सुकून नहीं मिल रहा तो एक लाइन सुनिएगा कि ज़िंदगी सुंदर है पर जीना नहीं आता कि जिंदगी सुंदर है पर जीना नहीं आता हर चीज़ में नशा है पर पीना नहीं आता कि जिंदगी सुंदर है पर जीना नहीं आता हर चीज़ में नशा है पर पीना नहीं आता सब मेरे बगैर जी सकते हैं सब मेरे बगैर जी सकते हैं बस मुझे ही किसी के बिना जीना नहीं आता नहीं, नहीं तो महफिल सजिए तो एक लाइन आया कि अभी फिलहाल ही में लिखा था आने से पहले कि हर दिल में जो है हर दिल में जो है उन सभी की दिल की बात करेंगे हर दिल में जो है उन सभी के दिल की बात करेंगे महफिल कोई सी भी हो महफिल कोई सी भी हो बेवफा उसे नहीं कहेंगे कि महफिल कोई सी भी हो बेवफ़ा उसे नहीं कहेंगे भले वो कुछ भी कहे भले वो कुछ भी कहे हम तो पगली आपको मोहब्बत कहेंगे हम तो पगली आपको मोहब्बत कहेंगे बदनाम में जीते जी नहीं करूँगा ऐसा होता है ना कि उसको उनको लगता है कि हम उसके महफिल में हर जगह उनके बदनाम करते तो, तो ऐसी बात नहीं है तो उसी पे एक लाइन है कि बदनाम में जीते जी नहीं करूँगा अब तू कर या ना कर पर मैं जीते जी नहीं करूँगा कि बदनाम मैं जीते जी नहीं करूँगा अब तू कर या ना कर पर मैं जीते जी नहीं करूँगा पर जहाँ दिल टूटे आशिकों की महफिल सजेगी कि पर जहाँ दिल टूटे आशिकों की महफिल सजेगी अगली हर दफा हर बार तेरा ही जिक्र करूंगा तेरा ही जिक्र करूंगा शुक्रिया एक लंबी सी लाइन होगी ये मैंने अब कैसे लिखा मैं अभी नहीं लिख पाता था बट लिखना स्टार्ट कर दिया पता नहीं पहले शायरी समझ नहीं आती थी अब लिख देता हूँ पता नहीं ये शायरी है कुछ भी ये लाइन है एक लंबी सी लाइन होगी जिसने मोहब्बत किया है उसको देखा है मोहब्बत में पूरी तरह बर्बाद हुआ है कि जिसने मोहब्बत किया है उसको देखा है मोहब्बत में पूरी तरह बर्बाद हुआ है और मोहब्बत जिसने और मोहब्बत में जिसने धोखा दिया है और मोहब्बत में जिसने धोखा दिया है वो मोहब्बत में आज़ाद हुआ है कि जिसने मोहब्बत में धोखा दिया उस, आ, उसको देखा है आज़ाद हुआ है इसलिए कहता हूँ जो मोहब्बत में नहीं पढ़े यारो मत पढ़ना इसलिए कहता हूँ जो मोहब्बत में नहीं पढ़े यारो मत पढ़ना और जिसने मोहब्बत की है मोहब्बत को मोहब्बत नाम देना मोहब्बत को बदनाम मत करना शुक्रिया लास्ट मोमेंट में जब साथ चाहिए हो तो उसका साथ मत छोड़ना या कोई घर वाले नहीं मानेंगे ये बहाना मत बताना लास्ट मोमेंट में जब साथ चाहिए हो तो उसके उसका साथ मत छोड़ना या कोई घर वाले नहीं मानेंगे ये बहाना मत बताना तुम तो आबाद हो जाओगे तुम तो आबाद हो जाओगे पर यह सोचना किसी की ज़िंदगी सच में बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी किसी की सच में बर्बाद हो जाएगी इसलिए कहता हूँ अब इसलिए कहता हूँ कि अब कि दारूबाज बन जाना यारो जिसने नहीं किया अब तक मोहब्बत वो मोहब्बत मत बनना वो मोहब्बत मत बनना क्योंकि दारूबाज में क्या ज़्यादा से ज्यादा नहीं मिलेगी दारू तो रह लोगे क्योंकि दारूबाज में क्या ज़्यादा से ज्यादा नहीं मिलेगी दारू तो रह लोगे और दारू दारू का नशा चढ़ भी जाएगा तो ज़्यादा से ज्यादा एक से दो घंटा या पूरी रात पर यारों मोहब्बत ना मिले तो जिंदगी जीना तो होगा पर यारो मोहब्बत ना मिले तो ज़िंदगी जीना तो होगा पर ज़िंदगी ज़िंदा लाश बन जाओगे कि पर जिंदगी ज़िंदा लाश बन जाओगे और खुदा से जीते जी सच में मोहब्बत की भीख माओगे सच में मोहब्बत की भीख मांगोगे एक ऐसा होता है ना कि मम्मी आ, म, हर फैमिली को जैसे कि सिचुएशन में कोई ब्रेकअप होता है तो सडनली वो खाना पीना छोड़ देता है कुछ भी तो मम्मी को लगता है कि जादू टोना कर दिया है टाइम हो गया क्या भैया कितना नहीं गुण गुण, नहीं तो एक लाइन लिखा था कि उसी पे है कि मोहब्बत ने मेरे माँ के छोटे बेटे की उसकी सारी ख्वाहिशें छीन ली हम भी तीन भाई मैं भी सबसे छोटा मोहब्बत ने मेरे माँ की छोटे छोटे बेटे की उसकी सारी ख्वाहिशें छीन ली मेरी माँ सही कहती थी कई बाबाओं से हाथ भी दिखाई मेरी माँ सही कहती थी कई बाबाओं से हाथ भी दिखाई बाबाओं ने हाथ देख के कहा इसे किसी ने मोह लिया बाबाओं ने भी हाथ देख के कहा इससे किसी ने मोह लिया मैं उस टाइम में मजाक समझता था मैं उस टाइम में मजाक समझता था पर वो बात मानो हकीकत निकल गई पर वो बात हकीकत निकल गई मेरी माँ भी मान जाती यारो मेरी माँ भी मान जाती यारो पर मानना तो पहले जिसको चाहा था उसको मानना था कि मेरी माँ भी मान जाती यारो पर मानना तो पहले जिसको चाहा था उसको मानना था माँ तो माँ है माँ तो मान जाती है मेरी हर जिद पूरी की बचपन से लेके अभी तक ये जिद भी मान जाती कि मेरी माँ भी मान जाती यारों पर मानना तो पहले जिसको चाह था उसको मानना था माँ तो माँ है माँ तो मान जाती मेरी हर जिद पूरी की बचपन से लेके अभी तक ये जिद भी मान जाती मुझे तड़पते हुए तो नहीं तड़पते हुए तो नहीं देख पाती पर जिसको था उसको मानना था माँ तो माँ है माँ तो मान जाती लास्ट करूँगा फिर अपनी जगह लूंगा ठीक है मोहब्बत ने ठुकरा दिया ऐसे यहाँ पे ये बताओ कि सब ने मोहब्बत की होगी लेकिन स्टार्टिंग में ये कोई किया है कि अभी ब्रेकअप होने के बाद भी उसी को चाहता है मेरे को लगता है लड़के तो चाहते हैं बट बुरा मत मानना लड़कियां भी होती है लेकिन अक्सर ना लड़कियां लास्ट मोमेंट में यही कह देती है कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी तो यार करो ही मत सबसे बढ़िया सच में मैंने बोला किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ये रियल है <coughs> एक लाइन है कि मोहब्बत ने ठुकरा दिया मोहब्बत ने ठुकरा दिया मोहब्बत का एक एक बुंद का अपनी पहचान देंगे मोहब्बत ने ठुकरा दिया मोहब्बत के एक एक बुंद को अपनी पहचान देंगे उसने कहा था तुमने क्या किया उसने कहा था तुमने किया क्या उसने कहा था तुमने किया क्या पर उसको एक ना एक दिन मोहब्बत का पैगाम देंगे कि उसने कहा था तुमने किया क्या पर उसको एक ना एक दिन मोहब्बत का पैगाम देंगे पर पगली हम नहीं देंगे मोहब्बत का पैगाम महफिल में बैठे भाई दोस्त यार भाई लोग आपकी मेरी मोहब्बत का पहचान देंगे